काल भैरव का आशीर्वाद लेने के बाद पीएम नरेंद्र मोदी ने किया नामांकन दाखिल। योगी आदित्यनाथ, अमित शाह, राजनाथ, चंद्रबाबू नायडू, चिराग समेत कई दिग्गज नहीं मौजूद। ईवीएम की सीसीटीवी फोटेज सुरक्षित रखने की मांग, दिल्ली हाई कोर्ट ने इलेक्शन बोर्ड को जारी किया नोटिस। मुंबई में आंधी ने मचा दिया कोहराम, 88 लोग घायल, 14 लोगों की मेरी जान, पेट्रोल पंप दबा, मृतकों के परिजनों के लिए 5-5 लाख की मदद का ऐलान। घाटकोपर में होर्डिंग गिरने की घटना पर भाजपा नेता किरीट सोमिया ने कहा, इस दुर्घटना के लिए जिम्मेदार भावेश पुंगे भाग गया है, मैंने पुलिस से अनुरोध किया है कि रेड कॉर्नर नोटिस जारी कर उसे भगोड़ा घोषित किया जाए। नारायणपुर परिवहन संघ के सदस्य व कांग्रेस नेता विक्रम की अज्ञात लोगों द्वारा गोली मार के हत्या कर दी गई, सूचना मिलते ही पुलिस जांच में जुटी। पोप में बवाल से घुटनों पर आई पाकिस्तान सरकार, 23 अरब का फंड जारी किया, 4 दिन में 3 मूर्तें और 100 से ज्यादा चक्रों। प्रचार के दौरान नेताओं द्वारा एक दूसरे के खिलाफ बयानबाजी का सिलसिला लगातार जारी, इसी बीच मल्लिकार्जुन खड़गे को रवि किशन ने दी हिमालय जाने की सलाह, ना इंसान बुरा हो जाता है तो ऐसी बातें बोल रहे हैं। बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम सुशील मोदी के अंतिम संस्कार में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा शामिल होंगे, इसके लिए वो शाम को पटना पहुंचेंगे। सुशील मोदी की पत्नी से सीएम नीतीश ने की बात, निधन पर जताया दुख। महाराष्ट्र में फिर पांव पसार रहा कोरोना, ओमिक्रॉन के नए वेरिएंट ने बढ़ाई टेंशन, सामने आए 91 केस, इनमें पुणे में 51 मामले हैं शामिल। चांदनी चौक के दरीबा कला में चोरों ने दीवार तोड़कर उड़ाए लाखों रुपए के गहने और कैश, दुकान का सीसीटीवी कैमरा भी खोल कर ले गए 7 चोर, घटना के बाद व्यापारियों में दहशत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नामांकन पर हिमाचल प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा, मैं पीएम नरेंद्र मोदी को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ, वे लंबी आयु तक स्वस्थ रहकर देश की सेवा करते रहे, मैं ऐसी कामना करता हूँ। केन्या बाढ़ पीड़ितों की सहायता के लिए 40 टन दवाओं, चिकित्सा आपूर्ति और अन्य उपकरणों से युक्त HADR सामग्री की दूसरी खेप हिंडन हवाई अड्डे गाजियाबाद से केन्या के लिए रवाना हुई। फ्लाइट में को पैसेंजर की ज्वेलरी चुराने वाला व्यक्ति गिरफ्तार, दिल्ली पुलिस बोली, आरोपी ने साल भर में 200 उड़ानें भरी, कई लोगों से ठगी की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नामांकन पर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने कहा, आज उनका नामांकन है जो पूरी दुनिया में लोकप्रियता में नंबर एक पर है, हम खुशनसीब हैं कि हमें इसमें शामिल होने का मौका मिला है। सलमान खान के घर के बाहर फायरिंग केस में छठा आरोपी हरपाल सिंह हरियाणा से गिरफ्तार, हरपाल ने आरोपी मोहम्मद रफीक चौधरी को आर्थिक मदद दी थी और रैकेट करने के लिए कहा था। पंजाब में 16 और 17 को हीट वेव का अलर्ट, 4 डिग्री तक बढ़ सकता है तापमान, मौसम विभाग ने जारी की एडवाइजरी। पंजाब में वायरल वीडियो पर जगीर कौर आहत का बयान, कहा, चन्नी ने मुझे सम्मान दिया मगर कुछ चैनल इसे गलत ढंग से पेश कर रहे हैं। 12 साल बाद हॉलीवुड में तब्बू की वापसी, ऑस्कर विनिंग फ्रेंचाइजी ड्यून में करेंगे काम। बदाऊ में तेज रफ्तार ट्रैक्टर श्रद्धालुओं से भरे पिकअप में मारी टक्कर, हादसे में एक की मौत, 27 लोग गंभीर रूप से घायल। गुनागिरी से दर्शन कर लौट रहा था श्रद्धालुओं का जत्था, मामले की सुरक्षा पर पहुंची पुलिस ने सभी घायलों को इलाज के लिए अस्पताल कराया भर्ती।